सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की स्टोरी में गोकू ने इविल प्रिस्ट और इविल जैनो की बैंड बजा दी, बट इविल प्रिस्ट इविल जैनो की पावर पाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अब वो गोकू को पूरी टक्कर देने लगता है। बट इनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तो आज हम वही देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों की फाइट का एंड होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक रोज वीडियो आती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू और इविल प्रिस्ट से, और अब वो दोनों आमने सामने होते हैं। इविल प्रिस्ट कहता है, गोकू तुमने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें मुझसे हाथ मिला लेना चाहिए था। गोकू कहता है, अब हाथ मिलाने का टाइम नहीं बल्कि हाथ तोड़ने का टाइम है। और अब गोकू अपनी एनर्जी इविल प्रिस्ट के मारता है, लेकिन इविल प्रिस्ट गोकू की एनर्जी को गोकू पर ही मार देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, इविल तुमने अपने दिमाग से बहुत लोगों को धोखा दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में कभी नहीं फंसूंगा। और तभी गोकू इविल प्रिस्ट के कई सारे पंचेस करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी में एक बार कई सारे पंचेस लग जाते हैं। तभी गोकू अपनी एनर्जी बॉल इविल प्रिस्ट के मार देता है, लेकिन इविल प्रिस्ट उससे आराम से बच जाता है और कहता है, पावर्स तो बहुत ज्यादा है मगर स्पीड बहुत ही कम है। और अब गोकू एक पंच इविल प्रिस्ट के फेस पर मार देता है, जिससे इविल प्रिस्ट को थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। इविल प्रिस्ट कहता है, तुमने ये क्या कर दिया? गोकू कहता है, क्या बात है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इविल प्रिस्ट कहता है, हाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी गोकू बोलता है, फिर तो तुम्हें मेरा ये वाला पंच भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तभी गोकू एक पंच इविल प्रिस्ट के पेट में मार देता है, जिससे वो काफी दूर चले जाता है। अब सीन जाता है यूनिवर्स 7 पर, और हम देखते हैं बीरस को, और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है, अचानक से ये सब शांत कैसे हो गया? तभी अचानक से बीरस का प्लेनेट हिल जाता है, और बीरस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या, मेरा प्लेनेट क्यों हिल रहा है? लगता है कि मेरा प्लेनेट तबाह होने वाला है, मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, और अब पिकोलो को सेंस हो जाता है कि नेचर में ये क्या हो रहा है। पिकोलो कहता है, लगता है कि पूरा वक्त शुरू हो रहा है, और ऐसा तो तभी होता है जब अर्थ के खत्म होने के दिन नजदीक आ गए हों, लेकिन बाकी के लोग को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अब हम देखते हैं कि अर्थ में बीरस आ चुका है। क्रिलिन बीरस को देख के पूछता है, अरे लॉर्ड बीरस, आप यहाँ पर? बीरस घबराते हुए कहता है, अरे कर्ली, क्या तुम्हारे पास कोई सेफ जगह है जहाँ पर कोई तबाही नहीं मचा सकता हो? क्रिलिन कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, ऐसी तो कोई जगह नहीं है, बट हुआ क्या है, आप यहाँ अकेले क्यों आए हो? बीरस कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि गोकू और वेजिटा एक वॉर में शामिल हैं? क्रिलिन अब ये सुनकर सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो लॉर्ड बीरस, ये कब हुआ? बीरस कहता है, अब क्या फर्क पड़ता है, अब सब खत्म होने जा रहा है। क्रिलिन कहता है, लॉर्ड बीरस, फिर तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बीरस कहता है, तुम क्या मदद करोगे, तुम तो उनके सामने बस एक मच्छर हो, तुम क्या, मैं भी उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। क्रिलिन कहता है, लॉर्ड बीरस, मैंने बचपन से ही गोकू का साथ दिया है, मैंने उसकी मदद हर फाइट में करी है, फिर चाहे मैं कमजोर हूँ या स्ट्रोंग हूँ, तो लॉर्ड बीरस प्लीज आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए। बीरस कहता है, कर ले तुम पागल हो क्या, तुम वहाँ जाकर मर जाओगे। क्रिलिन बोलता है, लॉर्ड बीरस प्लीज मुझे वहाँ पर जाना है। तभी बीरस कहता है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें यहाँ रहकर सबकी मदद करनी चाहिए, ना कि वहाँ जाना चाहिए। अपनी लाइफ को अगर मिटाना ही है तो अपने लोगों के लिए मिटाओ। क्रिलिन कहता है, बट यहाँ पर कोई भी खतरे में नहीं है। बीरस कहता है, क्रिलिन मेरा प्लेनेट काफी जोरों से हिल रहा था, तो ये अर्थ क्या चीज है? तभी वहाँ पर अचानक से अर्थक्वेक आने लगता है, जिसे देखकर तो क्रिलिन भी घबरा जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, ये अर्थक्वेक कैसा? बीरस कहता है, यही चीज मेरे प्लेनेट पे भी हो रही थी, वहाँ पर फाइट ही इतनी खतरनाक चल रही है, मुझे तो पता ही नहीं कि कौन जिंदा है और कौन मरा।
क्रिलिन कहता है तो फिर मुझे बाकी के लोगों को बुला लेना चाहिए। और अब वहाँ पर पिकोलो 17 एंड 18 आ जाते हैं। पिकोलो कहता है हम आ गए हैं क्रिलिन। क्रिलिन कहता है पिकोलो गोकू काफी ज्यादा डेंजर में है, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। बीरस अब गुस्से में कहता है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हो। पिकोलो कहता है लॉर्ड बीरस आप शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको तो गोकू की हेल्प करनी ही चाहिए। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मैं गोकू की हेल्प करने जाऊं। 18 कहती है हाँ, क्योंकि इस वक्त हम में से सबसे ताकतवर आप हैं। बीरस कहता है नहीं, मैंने कब की रिटायरमेंट ले ली है, अब मैं नहीं लड़ सकता हूँ। 17 कहता है ये कैसी बात कर रहे हो लॉर्ड बीरस, हम आपको जॉब ऑफर नहीं कर रहे हैं, आपको गोकू की हेल्प करनी चाहिए। बीरस कहता है नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं तो खुद अपनी जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर क्रिलिन शॉक हो जाता है और कहता है क्या कहा, आप जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हो। पिकोलो कहता है मुझे तो शर्म आती है, आप खुद को एक गॉड कैसे कह सकते हो, आपको तो हम सभी को बचाना चाहिए, लेकिन आप तो हमसे बचाव की उम्मीद रख रहे हैं, आप तो कायर निकले। 18 कहती है अब तो आपको लॉर्ड बोलते हुए भी शर्म आती है। बीरस सब बहुत ही शेमलेस फील करता है और कहता है देखो तुम तो मुझ पर ऐसे उंगली उठा नहीं सकते हो। 17 कहता है वो लोग क्या सोच रहे होंगे जो आपको आइडल मानते हैं, क्या उनका आइडल कायर है। तभी वहाँ बुलमा आ जाती है और गुस्से में वो कहती है तुम लोगों की अकल में क्या पत्थर पड़ गए हैं क्या, जो तुम लॉर्ड बीरस से ऐसे बात कर रहे हो। तभी क्रिलिन कहता है बुलमा जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम भी इन्हें ये सब कहोगी। तभी बुलमा कहती है मुझे सारी सच्चाई पता है और मुझे क्या कहना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। पिकोलो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम लॉर्ड बीरस की साइड क्यों ले रही हो। बुलमा कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कभी गलत नहीं हो सकते। पिकोलो कहता है तो फिर ऐसी बात है तो ये गोकू की मदद क्यों नहीं करने जाते हैं। इस पर बुलमा कहती है क्योंकि अगर लॉर्ड बीरस वहाँ गए तो गोकू की मुश्किलें और बढ़ेगी, और वहाँ पर वजीटा भी तो है ना, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो। अब सीन जाता है गोकू और इविल प्रिस्ट पर, जहाँ पर अब गोकू काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। तभी इविल प्रिस्ट एक बड़ी एनर्जी गोकू के मार देता है जिसे गोकू डोज कर लेता है, और वो एनर्जी बड़ी ही तेजी से यूनिवर्स 7 में चली जाती है। बट इस बात का गोकू को पता नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि इविल प्रिस्ट की एनर्जी अर्थ की सीध में बढ़ रही होती है, और अब पिकोलो कहता है ओह नो, मुझे काफी खतरनाक एनर्जी सेंस हो रही है। बीरस कहता है हाँ वो तो मुझे भी सेंस हो रही है। 17 कहता है लगता है कि ये एनर्जी अर्थ से टकराने वाली है। बुलमा शॉक्ड हो जाती है और कहती है अरे तो कोई रोको ना उस एनर्जी को। तभी 18 कहती है नहीं, ये एनर्जी मैंने पहले भी सेंस करी है, इसे हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त बीरस वहां से गायब हो जाता है। क्रिलिन कहता है अरे लॉर्ड बीरस कहाँ चले गए। तभी पिकोलो कहता है जान बचाकर भाग गए और क्या करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बीरस अर्थ से बाहर आ चुका है और कहता है अपने लोगों के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी बीरस एनर्जी की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है, और वो एनर्जी भी बीरस की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है, और अब दोनों में टकराव हो जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि बीरस ने अपनी पूरी जान लगाकर उस एनर्जी को रोक दिया है, बट बीरस की वहां पर हालत खराब होने लगती है। बीरस कहता है ये एनर्जी तो काफी ज्यादा हैवी है, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं एविल प्रिस्ट को, वो कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ है गोकू, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा अर्थ अब खतरे में है।